हेलो फ्रेंड्स, मैं रजकांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा प्लेन कपड़ा जो है 2 मीटर है और ये नेट फैब्रिक है जो 1 मीटर है। तो देखिए, हमने कपड़े को फुरफल में कर लिया हुआ है और इसका लंबाई रखेंगे 33 इंच। तो हम पहले मार्क कर लेते हैं 33 इंच पर। ये बहुत ही खूबसूरत सूट बनने वाला है। आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका शोल्डर हम रखेंगे 6.5 इंच और आर्म होल रखेंगे 7 इंच। तो चलिए इसे हम 1.5 इंच पर गोलाई दे देते हैं। तो देखिए, इसका चेस्ट है 36 इंच। इसका चौथा भाग हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और एक लंबाई हम 12 इंच पर देंगे और एक मार्क हम 6 इंच पर देंगे और 32 इंच कमर है तो हम 8 इंच पर मार्क करेंगे चौथा भाग, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। आप एक्स्ट्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो, 2 इंच भी ले सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए इसे पहले हम कट कर लेते हैं। तो चलिए नीचे से भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए, नीचे का घेरा जो है 40 इंच है इसका चौड़ाई, तो इसका चौथा भाग हम 10 इंच रखेंगे। घेरा अपने अकॉर्डिंग रखना है आपको, जितना आप रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है। ये फ्रंट पार्ट है। तो देखिए, फ्रंट पार्ट का नेक विड्थ हम रखेंगे 3 इंच और इसका लंबाई रखेंगे 7 इंच। तो देखिए, गले के अकॉर्डिंग हमने बुकरम को कट कर लिया है। एक गला जो है हम बुकरम से बनाएंगे। तो चलिए बैक पार्ट के वैसे ही कट कर लेते हैं। इसका भी नेक विड्थ हम 3 इंच रखेंगे और इसका लंबाई हम 8 इंच रखेंगे। ये लेंथ जो है, नेक लेंथ है जो, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, आपको कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए इसके लिए भी हम बुकरम कट कर लेंगे। तो देखिए, बैक पार्ट के भी लिए हमने बुकरम कट कर लिया है। तो देखिए, नेट फैब्रिक को हम जैकेट बनाएंगे। तो इसका लंबाई हम रखेंगे 15.5 इंच और इसे हम कपड़े पर रख के इसके अकॉर्डिंग हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल का। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग ही जैकेट को कट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने कट कर दिया है। तो देखिए, इसका भी नेक विड्थ हम 3 इंच रखेंगे और एक लंबाई हम 3 इंच रखेंगे। और इसे हम गुलाई दे देंगे। तो देखिए, एक मार्क हम 1.5 इंच पर करेंगे। और 1 इंच साइड से हम रखेंगे। तो देखिए, एक लंबाई हम 8 इंच रखेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर 2 इंच छोड़ करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए, इसे हम गोलाई में लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी हम 1 इंच कपड़े को छोड़ करके लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए इसे हम पहले कट कर लेते हैं। तो चलिए इसे पहले हम कट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने फाइनली कट कर लिया है जैकेट को। तो चलिए हम बाजू को कट कर लेते हैं। तो देखिए, बाजू का लेंथ हम 4 इंच रखेंगे।
और 6 इंच हम इसके मोहरी रखेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और 2.5 इंच पर एक मार्क करके गोलाई कर देंगे। चलिए बाजू को भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए बीचों बीच कट कर लेंगे और 1/2 इंच हम कट कर लेंगे फ्रंट पार्ट की तरफ से, इसे ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। तो देखिए हमने गले के लिए बुकरम को अटैच कर दिया कपड़े पर, इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसे 1/4 करके सिलाई अटैच कर देंगे। तो चलिए ऐसे ही हम पूरे में सिलाई को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमने पूरे में सिलाई अटैच कर दिया है। इसे गले पर रख के हम पिनअप कर लेंगे पहले और इस पर सिलाई अटैच करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही अच्छे से बुकरम से गले बना सकते हैं। पहले बीच से सिलाई अटैच करेंगे। तो चलिए ऐसे ही हम पूरे में सिलाई को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमने सिलाई अटैच कर लिया है और इसे हम कट कर लेंगे गले को। और इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो देखिए इसे हम उल्टे साइड में कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये सीधे साइड हो चुके हैं और इस पर भी एक सिलाई अटैच करेंगे। तो चलिए ऐसे ही पूरे में हम सिलाई को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमने सिलाई को अटैच कर दिया है और जो छोटे छोटे जो धागे हैं वो इसे भी कट कर देंगे। तो देखिए हमने जो जैकेट कट किया है उसके लिए हमने पूरे भी पट्टी को कट कर लिया है। तो देखिए पूरे भी पट्टी को हम पहले ज्वाइंट कर लेंगे क्योंकि जैकेट के जो गले हैं उसे बनाएंगे। तो इसे हम फोल्ड करके सिलाई अटैच करेंगे। तो चलिए ऐसे ही हम पूरे में सिलाई को अटैच कर लेते हैं। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर चुन्नट नहीं देना है, बिल्कुल टाइट सिलाई को अटैच कर देना है। चलिए ऐसे ही पूरे में सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे ही हम पूरे में सिलाई अटैच कर लेंगे।
और इस पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इससे गले जो है फिनिशिंग से आएंगे। और अंदर की तरफ से कपड़ा कर लेंगे और ऊपर से एक सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए ऐसे ही अंदर की तरफ से मोड़कर सिलाई को अटैच कर देंगे। यहाँ पर देखिए हम एक प्लेट्स देंगे कपड़े पर। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से कोने हमें आएंगे वहां पर हम एक प्लेट्स देंगे। आपको बिल्कुल ऐसे ही फिनिशिंग के साथ सिलाई अटैच करना है। तो चलिए ऐसे ही हम सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमने सिलाई पूरी में अटैच कर दिया है। देखिए कितना ही फिनिशिंग से आया है गले जैकेट है जो। तो ऐसे हम दूसरा जैकेट को भी रेडी कर दिया, दूसरा पार्ट को। तो देखिए यहाँ पर हम डोरी ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम डोरी को 1.5 इंच पर कट कर देंगे। और इसे 2 फोल्ड में करके सिलाई अटैच कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हम बटन बनाएंगे। तो चलिए ऐसे ही पूरे डोरी को हम अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमने अटैच कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम बटन बनाएंगे। देखिए हमने ऐसे ही पूरे बटन बनाएंगे और इसे हम सुई और धागे की मदद से अच्छे से हम इसे ज्वाइंट कर देंगे ताकि कपड़ा और नेट है जो इधर उधर ना हो। तो देखिए ऐसे ही हम पूरे बटन बना लिए यहाँ है। तो चलिए हम यहाँ पर बटन भी ज्वाइंट कर देते हैं। तो ऐसे हम पूरे बटन को ज्वाइंट कर लेते हैं।
तो देखिए हमने सारे बटन को अटैच कर दिया है। तो देखिए इस तरीके का मेरा रेडी हुआ। चलिए हम फ्रंट पार्ट पे इसे हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए हमने शोल्डर दोनों ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए नेट फैब्रिक और कपड़े पर यहाँ पर हम सिलाई अटैच कर देंगे ताकि इधर उधर ना खिसके और फिनिशिंग अच्छे से आए। तो चलिए ऐसे हम दूसरा साइड भी सिलाई अटैच कर देते हैं। तो देखिए इस साइड भी हम सिलाई को अटैच कर लिया है। तो देखिए हमने बैक पार्ट को भी गले को रेडी कर लिया है। तो चलिए हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं। तो चलिए हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है। तो चलिए हम बाजू को अटैच करते हैं। तो यहाँ पर बाजू अटैच करते वक्त आपको देखना है जहाँ हाफ इंच हमने कट किया है उसे फ्रंट पार्ट की तरह हम ज्वाइंट करेंगे। तो बाजू को मैं हमेशा बताती हूँ बीच साइड से ज्वाइंट करना है। तो चलिए पहले हम बाजू को पूरे ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बाजू को अटैच कर दिया है। तो देखिए हम नेट फैब्रिक से बाजू पर कपड़े ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए कपड़े को चौड़ाई है जो 2.5 इंच है। तो चलिए इसे हम ज्वाइंट करते हैं। तो देखिए इसे वन फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई अटैच करेंगे। तो चलिए ऐसे ही वन फोल्ड करके हम बाजू पर सीधे साइड अटैच कर देंगे। चलिए देखिए हमने दोनों बाजू को रेडी कर चुकी हूँ। तो चलिए हम फिटिंग मार्क कर लेते हैं। तो देखिए फिटिंग मार्क करने के लिए हमने एक बीच में मार्क कर लेंगे और बाजू का हम 5 इंच पर मार्क करेंगे।
और चेस्ट है 36 इंच, तो 9 इंच पर मार्क करेंगे। और कमर है 32 इंच, तो हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। और फिर यहाँ पर 36 इंच, 9 इंच पर मार्क कर लेंगे एक। तो ऐसे ही हम दूसरा साइड भी मार्क कर लेंगे। आप हमेशा बीच साइड में मार्क करके ही फिटिंग मार्क लगाएं। तो देखिए ऐसे ही हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है दोनों तरफ। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। तो फाइनली देखिए हम मशीन पर आ चुके हैं। तो चलिए हम सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो चलिए एक सिलाई और अटैच कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे ही दूसरा साइड भी हम मार्क कर लाइन ड्रॉ किया है, उसी पर हम सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए हमने सिलाई फिटिंग मार्क कर लिया है। तो चलिए कि नीचे को पार्ट है, नीचे की तरफ से हम नेट फैब्रिक लगाएंगे। तो देखिए इसका चौड़ाई हम 6 इंच रखेंगे। तो इस पर भी हम सिलाई अटैच करेंगे। जो स्ट्रक नेट है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हम वन फोल्ड करके सिलाई अटैच करेंगे। तो ऐसे ही हम पूरे में सिलाई को अटैच कर देंगे। तो देखिए ऐसे ही हम पूरे में सिलाई अटैच कर दिया है। तो ऐसे ही दूसरा साइड भी हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए हमने दोनों तरफ से जॉइंट कर लिया है। और इसे वन फोल्ड करके हम सिलाई अटैच करेंगे। तो चलिए ऐसे ही वन फोल्ड करके हम पूरे में सिलाई अटैच कर देते हैं। तो ऐसे ही हम दूसरा साइड भी सिलाई अटैच करेंगे वन फोल्ड करके।
तो देखिए हमने एक सिलाई और अटैच करेंगे। तो देखिए फाइनली मेरा सूट बनके रेडी हो चुका है। तो आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा है। यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।